सुप्रभात, मैं चिराग, कक्षा 6 का छात्र आप सभी को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज विजय दिवस के उपलक्ष्य पर आइए हम सभी विजय दिवस की गौरवपूर्ण गाथाओं को याद करते हैं। किसी दिवस पे भी ने खूब कहा कि जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की, जब आंखें बंद हो तो याद है हिंदुस्तान की। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मर तक मिट्टी हिंदुस्तान की हो। और ऐसी भावना लिए सन 1971 के युद्ध में, जिस भारत के लिए ऐतिहासिक युद्ध माना जाता था, हजारों भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। 16 दिसंबर के दिन भारत के ऐतिहासिक पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा वो दिन है, जिसके उपलक्ष्य पर 16 दिसंबर के देश भर में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिम्मत से तो तूफान भी घबराते हैं, कोशिश करने से तो पत्थर भी अक्सर पिघल जाते हैं। जो रोज नई आंडियाओं से टकराते हैं, वही जग में सूर्यास्त पाते हैं। भारत ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में उबलने में मदद की थी। तब कहा जाता था कि सन 1971 के युद्ध में भारत के 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हुए, लगभग 9,851 सैनिक घायल हुए थे, 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और इस तरह भारत ने पाकिस्तान को टिकट दी और पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया और बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। आज से 49 वर्ष पहले पूर्वी बांग्लादेश के मुक्ति के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के सशक्त नेतृत्व और अद्वितीय राष्ट्रवाद की अद्भुत मिसाल के साथ साथ भारतीय जाबाज सैनिकों के अद्भुत शौर्य का प्रतीक भी माना जाता है। हमें अपनी थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा सीमा सुरक्षा बल पर गर्व होना चाहिए। हम भारत देश के विकास के लिए तत्पर रहे और ईश्वर से अमन चैन की लिए प्रार्थना की, वही शहीदों के लिए श्रद्धांजलि है। हे मातृ भूमि, तेरी जय हो, सदा विजयी हो। जय हिंद, जय भारत। So friends, today's topic is over and we will meet soon with our new topic. Till stay tuned. Subscribe our channel and press the bell icon to get notification of our latest videos. Thank you.